एवरीवन नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वनकम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम दिस वंडरफुल मॉर्निंग एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड टुडे इन अंबाला। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच रहे हैं यूनिवर्सिटी, आज मनीषा का एग्जाम भी है और राशिद और तनु अपना एज यूजुअल क्लास करेंगे क्योंकि लोग फर्स्ट ईयर में, मनीषा का थर्ड ईयर है और काफ़ी रश होता है सुबह सुबह। मनीषा कह रही है कार चलाना सीखें दिव्या ड्राइविंग स्कूल में, तो यहाँ पर कार चलाना तो हम सीख चुके हैं, आप कितना सीखेंगे? तुम सीखोगी, स्कूटी तो चला लो पहले। क्यों स्कूटी तो चलाना? तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले रोड पे आ चुके हैं बिल्कुल, और थोड़ा रश लग रहा है कल के मुकाबले। कल ज्यादा ठंड थी, कल 5 डिग्री था, आज 8 डिग्री। 9 बज गया, अब मैं जाऊंगी तो अपना वो ढूंढूंगी क्लास रॉक किस रूम में पड़ा है। तो गाइस अभी मनीषा तो क्लासरूम वगैरह ढूंढेगी, मैं इसको छोड़ के वापस घर चला जाऊं। इतना भीड़ लगता है। ए भैया आमदनी अठनी और खर्चा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इतना जोर से बोला है फीलिंग समझ रहे रुपया का। एनीवेज गाइस चलो इसी के साथ पहुंच गई यूनिवर्सिटी। मनीषा कह रही है फर्स्ट डे जब कॉलेज अंकुश गड़े थे रो रही थी, जैसे छोटा बच्चा को स्कूल छोड़ते हैं लोग फर्स्ट डे तो रोता है ना, वैसे ही कॉलेज छूट रही थी तो रो रही थी। एक्साइटेड नहीं थी क्या क्लास जाने के लिए? एक्साइटेड थे, बहुत अच्छे से रेडी होके भी आए थे। क्लास में टीचर मेरे को मैम ही समझ ली थी क्योंकि मैरिड थी ना, पूरा बाल मेरा स्ट्रेट। चलो भाई तो अभी पहुंच गई यूनिवर्सिटी, रहने दीजिए ना, वहां तक मत पहुंचा दीजिए, एक एक टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक है ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बाय 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 बाय। ये सड़ा हुआ ऑरेंज है राशि ले लो, अभी कॉलेज की डस्ट में फेंक देना। चलो बंद करो। ठीक है गाइस फाइनली ये लोग गए, इनको देखो बाय बाय बाय। मनीषा अभी जा रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं, दोपहर के बज चुके हैं 12:30, मनीषा का पेपर खत्म हो गया। ए आज पहले खत्म हो गया क्या पेपर? नहीं मैं पहले आ गई, और मैं जब दूसरा क्वेश्चन लिख रही थी ना तब मैं काफी टाइम तक लिखने लगी, उसके बाद से मैम बोली इतना टाइम है उतना टाइम है, इतना जल्दी जल्दी मैं लिखी, मेरा हाथ ही दर्द होने लगा। तो अभी खाना वाना बना नहीं था, मैंने बोला बिरयानी पैक करा लेते हैं आज और यहीं से खाना पीना लेके चलेंगे, खा लेंगे वहाँ पे घर पे। और ऊपर से घर में भी पेंट वेंट का काम चल रहा है जिस घर में हम रहते हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं, चलिए आप लोग बने रहो। इतना स्वच्छ घर हमारा कभी नहीं आपने देखा होगा जितना आज दिख रहा है, और इसका कारण है सिर्फ ये पेंट। तो अभी घर में पेंट वेंट हो रहा है, पेंट वेंट हो जाएगा तो अलग लगेगा, बाकी पंखा चलाया हुआ है ताकि सूख जाए। ये देखो कितना गंदा कर दिया मेरा घर को, ठंडा लगेगा उधर लेके चलो। अभी अभी इससे पूछूंगा ये कौन है, कौन हो तुम? मैं भूत। कौन हो? भूत। भूत डरा दो ना, डरा दो तो। अरे कितना जोर से डरा रहे हो आप मेरे को। मैं भूत हूँ। मैं भूत हूँ तो मैं भूत का अंकल हूँ, मैं भूत का अंकल हूँ, मैं भूत का टाऊ पापा भी हूँ। माना सुनो ना, मैं भूत। ये कौन है? तुम माना हो? मैं सचिन भैया हूँ। ये कौन है माना? कौन बोलो बोलो, माना के लिए चॉकलेट है कि नहीं जी? तो खा गए चॉकलेट। खा गए तुम? मेरी गुड़िया है, मार के दम दांत तोड़ दूंगा मैं। इस पेंट वेंट अभी घर में चल रहा है, चलता रहेगा, बातचीत करते आजकल टाइम निकल जा रहा है। फिलहाल अभी मैं आऊंगा, अभी मैं आ गया हूँ अपने घर के छत पे। अभी सीढ़ी नहीं है ना, बांस वाली सीढ़ी से चढ़ के आना पड़ता है। छत देखो कुछ इस तरीके का है, और आपको दिखा देते, ओए पानी पूरा लगाया हुआ है इसके ऊपर। तुम्हारा छत कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनेगा। अभी नीचे स्विमिंग पूल है, ये रहा पोर्शन, बाकी छत, और यहाँ सीढ़ी आएगी ऊपर वाली जो कि अभी बनना अब स्टार्ट होगा, धीरे 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 बन जाएगा। साइड वाले अंकल का घर, वहाँ से देखो सीढ़ी बन रही है, वहाँ से ऐसा है, फिर ऐसे फिर ऐसे। ओ भाई राफेल,
देखो गाइस कितने करीब से ऐसे फाइटर जेट ना उड़ते रहते हैं अंबाला एयरबेस के। तो गाइस देखो पेंट वेंट होने के बाद ऐसा दिख रहा है, नया ही कलर चढ़ गया है। लाइट थोड़ा कभी कभी हो गया, लाइट बहुत अच्छे कितने का ये लो एक ये देखो ये किस तरह का कपड़ा मत दिखा दो, कलर दिखा दो एक ये डिजाइन भी है देखो अब मनीषा लेकर के आई हुई है सूट हमारे साथ, अब शॉपिंग पे जाके आ गए माने के लिए चॉकलेट भी लाए और अभी दिखाने लाई है भानु दीदी को पसंद आया कि ये देखो माना कैसे छुप रही है, कैसे छुप रही है, वहाँ पे सस्ता मिल जाता है ना ठीक ठाक रेट पे। माना देखो कैसे छुप रही है किसी को देख के। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ किचन में, शॉपिंग तो हो चुकी है, तमाम चीजें आप लोगों ने देख ली कैसे कैसे क्या हुआ। फिलहाल पेंट हो चुका है हमारा कमरा, कुछ ऐसे था इस तरह का वाइट बिल्कुल हैप्पी थे हम लोग, लेकिन अब वो दिन आ गया जब हमारे चेहरे की खुशियाँ ऐसे बदल गई। तो ये हो गया कुछ हमारा कमरा इस तरीके का, आप देख सकते हो। आप लोग ऐसे कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है ये वाला कलर, एंड पीछे बार कोनी भी जो कि आप लोगों ने कभी देखा नहीं। फाइनली हम लोग अचानक नए घर में शिफ्ट हो गए और नया घर हमारा, आपको ये कैसा लग रहा है? पेंट भी आता है गाइस, कैसा इसका पेंट हो गया है। हाँ तो ये नया घर ही हो गया एक तरह से हमारा, तो नए घर में हम लोग को अचानक शिफ्ट होना पड़ा। क्यों शिफ्ट होना पड़ा आप लोग समझ चुके हो, तो ये कुछ ऐसा ही है, कुछ नया घर नहीं है, अभी पुराने घर को पेंट कर दिया हमने, लेकिन नया बन चुका है अब। बस इसमें ना पेंट में थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है ना, वो जो मिला वाइट में ना वाइट कलर में वो मिलाया हुआ है या फास्ट येलो करके, और इसकी वजह से थोड़ा ये कलर चेंज हुआ है। नॉर्मल अगर नेचुरल पेंट अगर ऐसा बनवाते तो और अच्छा खिलता ही चारों तरफ बराबर, कहीं लाइट कहीं डार्क हो रहा है। चलो कल आई थिंक सूखने के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा। फिलहाल किचन में चलते हैं, काम वाम करना है थोड़ा। अभी यहाँ किचन में कुछ फ्राई वगैरह हम लोग करने वाले हैं, मार्केट से लेकर के आया था मैं बने बनाए फ्रिज वाली चीज़, तो फ्राई वगैरह करेंगे। एक तरह दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे, दूध खत्म हो गया है। इसमें धनिया का पत्ता कैसे पड़ गया? हे भगवान, ये परसों का दूध है। हाँ, मंगवाते तो नहीं पिए थे, कल है, कल का है। तो कल तो फिर आएगा दूध। हाँ, तो आज पी लीजिएगा। आज पी लेंगे। खीर बनाएंगे? हाँ बनाना खीर बहुत दिन बाद। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया आज, सब लोग का किसी का रेस्ट नहीं हुआ, और मेरा नया घर भी यार। तो फिलहाल अभी हम लोग इस घर में तो शिफ्ट पहले से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लव दिस ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।